स्टूडियो में असा के जॉइन किया है सीनियर तर्ज निगार सुहेल सांगी साहब। सांगी साहब तक भलीकार चवा तो सांगी साहब सूरतयाल कि पे ऐसो वफाकी घर वजीर मोहसन नकवी साहब भी चवे पे तो 120 का वधिक अफगानी पकड़िया वे बचाव वो वजीर भी चवे पे तो अफगानी सवे अफगानी जो इन एहतजाज में शामिल अलार्मिंग भी चवन पाया कि ऐसो सूरतयाल के पा गुजरल डी भी इन गाल बोल कई सी अज बो दिहाड़ो है इन एहतजाज जो सूरतहाल तवे सामू है पहली गाल तो यह है तो अली अमीन गंडापुर साहब उनकी खबरों गिरफ्तार थो वरी को हाँ खुद जो वजीर दाखिला है घरू मामलों में वजीर मोहसिन नकवी साहब उन भी तो वो गिरफ्तार थल है तो मुझे ख्याल में भी उन्हें वही गाल क्लियरिटी थी वे प्लस इो भी मीडिया में आयो है तो वह जो सो उत मीडिया टाक कई हाँ मीडिया टाक कई तो उन मतलब यो थो तो वह गिरफ्तार ना है तो एक शी शम्पॉर्टेंट है वह भाई इन एहतजाज छो कर हूँ तो जाहिर थे वे पैमाने से सारी जिंदगी इस्लामाबाद की मुतल है मुँह भी बिन साफी दोस्त गाल कोशिश कई पे तो भाई इस्लामाबाद में सूरत हाल है उन्हें को केदी मल सिग्नल अचन पाया केदी मल को बाकायदा तफसीली इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट जो वो इशू है इन खुद जो सो उत आम जो जिंदगी है वह भी मुतल थल बाकी कार वहार है हुकूमती इंतजामी वो तो पैं जाए स्कूल भी आटे ये सब बंद वो तो एक जाए होंद पर ही सजो है हाँ सवाल एक मजेदार थे तो भाई आखिर पीटीआई एहतजाज जो यो तरीको छो थी अख्तियार करें पीटीआई जो योजो सदा ही यो रो तरीक़ेकार जैमें वो अड़े नमूने से सिलेक्टेड हम ते एहतजाज करे थी भाई इस्लामाबाद हाँ बाकी मुल्क में जी पा कल भी इन गाल बोल कई पे तो पॉलिटिकल जो सरगर्मी होंगी उन मतलब यो हों मान के मासिस के उनके मोबिलाइज कर एक्टिवेट कर उको भी तुम ओपिनियन है वो तर हुक्म की मुखालफत करो था तो वो उत थे पर साई साहब मैं गाल कटींदुस तो माजी में वेझो माजी हुए या जैसे का पीटीआई आई है तो पीटीआई जो यो तरीक़ेकार ही न रो है तो गाल न को पीटीआई बानी जो यो नजरियो है न उनकी सोच है नई वरी को पार्टी में नजर इंदो है जैसे के अगवान इन गाल के हथी वठाइंदा तो उनके साइडलाइन कर वो है तो गाल करे में मिजाज जो हो तो पार्टी में सियासी मिजाज जो हो तो वो तो पीटीआई में नजर घट वही गाल तो पे कर चाही मूँ यो पे चवन चाहे तो जो खुद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उन्हें जे बदरा तहां जो सो एक वफाकी गादी वाले शहर में वही वो जी हुकूमत चवे थे भी यो तो जो इस्लामाबाद हमले के बराबर है हमलो तो वे वो इन कर वे तो भाई तुम कें न कें तरीके से एक पावर कैप्चर करना चाहो था एक खबर में रहन चाहो था एक इस्लामाबाद में जो वेठल इंतजाम है ब्यूरोक्रेसी है या इवन जो पिंडी में असि ब्यूरोक्रेसी है उन्हें जो सो यो तासुर हि तन कैप्चर कर माने जैसे इस्लामाबाद में कुछ थी वो तो माने जड़ो कर सजे मुल्क में यो थी वो यो बिल्कुल ई है जी अगे जैसे वे पुराने जमाने में बादशाह जो जंगू थन्द तो उन्हें भी यो हों तो बादशाह के कब्जो में कज या यो तो जैं वट झंडो हथ में आए उन्हें जो वो कयो तो उन्हें मतलब यो थो तो फातह आयो तो ही एकड़ी वह स्ट्रेटजी उनके तहत पॉलिटिक्स थे पी समझा तो भाई यो बिल्कुल यो एहतजाज कर इख्तलाफ राय रखन यो हर शहरी जो हक है उन्हें कि यो करन खपे जेकर हुकूमत का कहीं इख्तलाफ है तो वो करे पर पुरमन हो जाए पर वो जाहिर है उन्हें जा जेके पैरामीटर हैं वे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सांगी साहब जाए मुख्तस करने जो हुक्म दिनो है। अच्छा सांगी साहब इन वक्त असा के इस्लामाबाद में सीनियर साफी आवाज न्यूज का ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच साहब वीडियो लिंक के वसीले ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कुर्बान साहब। छा सूरत हाल है सांगी साहब असा अज वेठा पा पुठे प्रोग्राम में भी गाल बोल कई सी पे डी हो।